राम राम सारे यारा ने दोस्तों ने और भाई सारे भाइयों ने। और मैं पहुंच रहा हूं नई अनाज मंडी सफीदो। और मसला के है और मुद्दा के है और तहलका के है, तहलका में तहलका ये है कि 20 तारीख तक गेहूँ की खरीद शुरू हुई थी और अड़ती नाराज थे, अड़ती अगले किसान भी गेला गेला लाग लिए थे, जिस कारण जो है मंडी में गेहूँ नहीं गया था। अब जो है अड़ती की सेटिंग सीएम से हो गई है, अब वो कहीं ना कहीं सरकार की नीतियों में विश्वास रख रहे हैं। और भाई विश्वास करके आज 145 किसान, क्योंकि पहले पॉलिसी थी कि 50 तड़की बुलावेंगे 50 सामने बुलावेंगे, लेकिन आप हालत देख रहे हो, मैं अपने एक तस्वीर दिखा देता हूँ। ये है असंद रोड और आप ट्रैक्टर देख सकते हो, जैसे कि आपको मैं तस्वीरों में दिखा रहा हूँ, आपको दूर तक मैं दिखा रहा हूँ। ये लाइन है ट्रैक्टर की जो कि असंद रोड पर या जींद रोड आप कहें तो जींद बाईपास भी कह सकते हैं। ये है अभी मैं इसके बिल्कुल अपोजिट, यानी मैं आप दिखाता हूँ पानीपत रोड। पानीपत रोड भी खचा खच जो है ट्रैक्टरों से भरा हुआ है, जैसे कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हो, पूरी तरीके से फुल, यानी कि हाउस फुल है। और इस हाउस फुल का कारण के है वो भी मैं बताऊंगा। और आप लगातार जो है सफीदों को इतना गर्म क्यों है, सफीदों खासकर सफीदों इसलिए गर्म है, जब हड़ताल हुई थी मंडियों की, जब हड़ताल हुई थी यानी जब आड़तियों ने हड़ताल करी थी, उन मंडियों में जो मुख्य मंडी थी वो सफीदों मंडी भी एक थी। और समस्या अब कहाँ जाती है, 23 तारीख को सरकार के साथ सेटलमेंट हो जाती है, सेटलमेंट के बाद आड़ती जो है किसानों को मैसेज करवा देते हैं अपने तरीके से कि आप गेहूं लेकर मंडी में आ सकते हैं। लेकिन अब बात कहाँ आती है, तहलका कहाँ मचता है, किसानों को सुबह की मैं बात करूँ तो 75 किसानों को बुलाया गया था और 75 शाम को बुलाए गए थे, लेकिन अब समस्या क्या है कि सुबह से किसान लाइनों में है, क्योंकि मैं सुबह भी स्थिति देख के आया था और अब भी 500-400 ट्रैक्टर अब भी खड़े हैं, ऐसे ही पहले खड़े थे। और अब जो है शाम 6 बजे मार्केट कमेटी लॉकडाउन कर देगी, यानी ताला बंद कर देगी। समस्या एक इसके अलावा और के है कि 3 दिन तक अनाज अंदर तो जा रहा है लेकिन बाहर नहीं आ रहा, यानी कि लिफ्टिंग नहीं हो रही, जिस पर जो हमारे डीसी साहब का मैं ध्यान दिलाऊं हूँ कि जो डीसी जींद है आदित्य दैया, हमारी मंडी का जो ठेका तो हुआ था, ठेका यूपी के किसी आदमी ने लिया था, ठेकेदार यूपी का है जो लिफ्टिंग जिसने करानी थी, लेकिन ठेकेदार मौके पर नहीं आ पाए क्योंकि दूसरे स्टेट से कोरोना की वजह से आप आ नहीं सकते। लेकिन किसानों तो हम बात करांगे के समस्या किसानों में आ रही है, कौन खड़े ताया है, के मामला है, आइयो। के नाम है? निशान था भाई। कहाँ से है? बड़ोता हूँ भाई। बड़ोता है, किस टाइम का खड़ा है भाई? 11 बजे आया था मेरा भाई, तड़की 11 बजे आया था, तड़की 11 बजे आया था, यू टाइम आ गया। के टाइम हो गया अभी? टाइम तो हम ताजा ला ले 5 बजे उजा रहे होंगे। 5 तो ज़्यादा हो रहा है, बस ऐसा ही हो रहा है, 6 छूँगा। 6 बजे बंद हो जाएगी मंडी, अगर तेने बाहर खड़े होना पड़ेगा फिर क्या करेगा भाई? करना गया, 2 किले कटी थी या ट्रेलिंग पड़ी, 14 किले ग्राप लड़पा पड़ ली, किसान की तो चुगरते बिरयान माटी हो रही मेरे भाई, और कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता भाई। लॉकडाउन ला ले या एक मजबूरी होगी नहीं, आई छठे भी नजमीदार की रे माटी होगा। और मैं तो एक बात कहूँ भाई मीडिया के माध्यम से, जब तक जवान और किसान सेफ नहीं हो सकते, भारत तरक्की कदे नहीं कर सकता।
कहीं ना कहीं बड़ी बात कह दी। बड़ी बात के है, जब तक किसान और जवान यानी 6:30 बजने वाले हो रहे हैं, और भाई ओ भाई तड़की 11 बजे लाइन में लग गया था, और ईव इसका नंबर आया है, यानी कितने घंटे हो गए, लगभग 8 घंटे में ट्रैक्टर अंदर जावे है, तो व्यवस्था आप देख भी सको हो। समस्या ये है कि कौन आइडेंटिफाई करेगा, किसका नंबर है, कौन आ रहा है, के सिस्टम है मंडी में, इसने कोई आइडेंटिफाई करने वाला नहीं है। हम लगातार बात करांगे। हेलो, एक सेकंड, ब्रेक ले ले। के नाम है? महेंद्र। कहाँ था आया? सफी दो। ट्रैली किस टाइम खड़ी करी थी लाइन में? ट्रैली भाई कम से कम 5-6 घंटे होगी खड़ी हुई ना, ये विधायक गेट पाए हैं, और इबी भी 5-6 कम से कम 200 ट्रैली खड़ी हैं। जमींदार परेशान है, बिल्कुल तंग है। पर मैसेज कब आया था? मैसेज सवेरे आया था हमारे पास। तो फिर मैंने तेरे 20 ट्रैली गेरनी होंगी दिन में, और एक के दिन में एक नंबर तो ना तो कंपाइन मिलती भाई। कंपाइन जावा अपने हिसाब से आवा है, कंपाइन है, कंपाइन अपने हिसाब से आवा है, के ग्राम है, कंपाइन नहीं मिलती टाइम पर, उरे ही आन नहीं देंगे। जिस टाइम कंपाइन मिले उस टाइम नंबर ही पता भाई। बात वही, मुद्दा वही है, फिर की वही है, तेल का वही है। यानी सरकार ने नोबिका दिया भाई, एक किसान के मैसेज बचा है 200 किले की गणों को, तो 200 किले की हम ले लेंगे। लेकिन जब पूरा दिन में एक रैली का नंबर आवेगा, तो 200 किले की वो किस तरह ढोवेगा? तो सबसे बाहर हो गया प्रोजेक्ट, कौन कितनी ट्राली लेकर या कैसे लेकर रहा, कोई तरीका समझ में नहीं आ रहा। और मंडी प्रशासन के कर रहा है, के सफीदों के SDM साहब कर रहे हैं, के सफीदों के SHO कर रहे हैं, या इब हमने समझना है, क्योंकि किसान जैसे था वैसे ही है। लगातार हम बात कर रहे हैं। के नाम है भाई? सागर। कहाँ था यार? रिसल वेदा। कितनी देर पहले आया था, कितनी देर से लाइन में? 2-3 घंटे हो लिया भाई। 3 घंटे हो गए। हाँ। मैसेज कब आया था? मैसेज क्या लाया था? हाँ। पूरा दिन में एक ट्रैली आई? दो आ रही रे। दो आ रही है। हाँ। एक पीछा हो रहा है, इसके गले ही आगे दो ला रही, तीन तीन दो है। हाँ। मतलब पूरा दिन में अगर 10 ट्रैली लेनी हो तो एक दिन में गिर जाएंगी? गिरती नहीं। इसला तो गिरती नहीं है, गिरती नहीं है। क्या कहना चाहोगे सरकार को? ये कहना था रन मट्टी करती। जमा ला भाई, छोरा गर्म हो रहा था, मारता भी नुकान लग गया। ट्रैली है कौनी, दो ले रखी है, जोड़ रखी दो, यानी मामला खराब हो लिया, समझता है बैर हो लिया। के सिस्टम है, हमने भीतर मंडी में दिखाऊंगा, आ जाओ लगातार, हम मेरे गले बने रहो, देखते रहो और शेयर करते रहो, धुआं उठा दो। ट्रैक्टर भी गर्म लगातार, और किसान भी गर्म, और सिस्टम भी गर्म हो रहा है। पूछांगे, बात करांगे। 38 पहुंच गए, ये भी गर्म नहीं। मेरी तरफ सिस्टम तो बताओ, ये क्यों हो रहा है? के किस तरह के समस्या होगी? कोई समस्या नहीं ना, कुछ तो है, बुखार तो पावेगा थोड़ा बहुत। मैं तेन बता, 145 के सियाने बुलाए, और ट्रैक्टर 2000 है, रखे चक्कर है। एक मिनट कटा हुआ, बताओ तो। देखो मैं ऑथराइज नहीं हूँ स्टेटमेंट देने। अच्छा, मतलब मंडी का टाइम के टाइम है, यूँ तो बता इसको। हो सुबह 8 से 6 ईव के टाइम हो रहा है,
6:30 मतलब और टाइम चल रहे हैं। हाँ जी भाई, ये सल्यूट करा के करा था मैंने, तुम बढ़िया काम कर रहे हो, मतलब जनता की सेवा के लिए खड़े हैं। अच्छा, चाहे कितने बज जाए हम यहीं खड़े हैं। मतलब ये पहले सिस्टम तो अंदर बंद कर दोगे रात में? ना, पूरी रात खुले रहूँगा जब तक ये ट्राली वाले खड़े हैं। आज की लिस्ट है हमारे पास, तब तक चलेगा। जब तक लिस्ट है जब तक चलेगा। ले भाई मित्र भी बात कर लिया, कितनी ट्राली है ली के एंट्री में बतावे है, कितनी ट्राली आ ली आज की? भाई साहब दोपहर में 2 बजे बैठे थे और अभी तक बैठे हैं, लगे रहे हैं तभी के। फिर भी कितना अंदाजा सा होगा कुछ? भाई साहब कोई अंदाजा नहीं, कोई एंट्री नहीं होती के? एंट्री तो देखनी पड़ेगी साहब जी। कितने किसानों की एंट्री होगी आज की? कुछ तकरीबन 2 बजे से बैठे थे और अभी तक 50 की तो मैंने कर दी होगी मिनिमम, 50 मैंने 50 हाँ 2 से अभी तक लगभग। आपने कितने कर दिए भाई तक? लगभग बराबर है भाई साहब, 50 100 किसान निपटा दिए। यानी भाई क्या बात है, लगातार थमने मंडी की भाई स्थिति दिखाऊं मैं थमने भाई। सफीदो SDM साहब को ये खबर भेज दो और खासकर DC साहब जींद को, यो अनाज तो आ लिया, इस अनाज ना उठाने का केपर बंद है, यानी लिफ्टिंग का के विचार है। जड़े तक मारी सूचना यह है कि जो ठेकेदार था वो ठेकेदार उरा पहुँचाएगा नहीं, वो ठेकेदार UP का था जिसने लिफ्टिंग करनी थी। अब मंडी में माल आ तो रहा है लेकिन उठाने का प्रबंध जो कि DC जींद को करना है, सफीदो के SDM मंदीप कुमार को करना है, उस पर अभी तक कोई विचार नहीं है। कोई ट्रक आड़ा नहीं खड़ा भाई, देख लो मंडी में, मैं अपना तस्वीरें दिखा रहा हूँ, यो पूरा साइड अनाज तक भर रहा है और इस साइड के नीचे कोई उठाने का प्रबंध नहीं है और किसान रो रहा है। अक उनका नंबर आ तो गया लेकिन नंबर वाले दिन एक ट्रैली पूरा दिन मैं उसका चला गया क्योंकि भीड़ इतनी है, 500 ट्रैली लाइन में, 4000 ट्रैली लाइन में खड़ी है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है, अब पिक्चर क्लियर नहीं हो रही, तहलका मच नहीं रहा क्योंकि अब कहने ना तो नूबी हो रहा, मारे गला किसान है क्या समस्या रही है कि? साहब मैं किसान नहीं हूँ, मेरी ड्यूटी लगी हुई है अरियंतराय से मिल में। अच्छा, गेट पास वालों में। भाई साहब आज वहाँ चाय पानी की व्यवस्था हुई, पिछले 5 दिन से चाय पानी कोई व्यवस्था नहीं थी, वहाँ पे बिगन साफ है। अच्छा, कोई समस्या नहीं, साफ तिल्लिल जमा बिगन है, जाकर अच्छा। देख सको, कोई सफाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अच्छा, पानी की भी आज व्यवस्था नहीं थी, आड़ती ना चाय पानी की व्यवस्था करी है। अच्छा, पिछले 5 दिन तक वहाँ पे पानी भी कौन था पीने का? यानी सफीदो VLE के लिए कोई भी बैठने की जगह नहीं प्रोवाइड करवाई जा रही वहाँ पे। अच्छा, यह समस्या जी VLE के लिए सबसे बड़ी, जो सरकार दावे करे है अगर मंडी में पूरा प्रबंध है। दूसरी बात जी, यह पुरानी अनाज मंडी में भी VLE के लिए कोई सुविधा नहीं बैठने के लिए, एक टेंट लगा दिया गया वहाँ पे, बोले भी अपना प्रिंटर लेके जाओ, लैपटॉप लेके जाओ, बंदर इतने ज्यादा उड़े, हमने अपने सामान की भी हमारे सामान तोड़ के जा सके बंदर किसी भी टाइम। यानी जो सुविधा की बात कर रहे हैं उनके दावे ये भाई VLE है जो कि गेट व पास बना हुए हैं, लोगों की एंट्री कर रहे हैं, उनके लिए जब कोई सुविधा नहीं है। और राइस मिल में तुम बतावे अगर भाई 5-5 फुट के सांप भी हैं, 10-10 फुट के काले नाग, तो यह सुविधा है और मुगत जिन भी एस का है, चलो देखो भी लेकिन क्या करा, काम तो करना पड़ेगा क्योंकि किसान और जवान की बात है।
अरे भाई जो ये गेट पास यहाँ कटा है ना, इनकी जरूरत ही नहीं, गेट पास तो अर्थी खुद कटवा लेंगे। जो जमींदार तंग हो रहे हैं, लाइन लग रही है वहाँ नहर तक, यहाँ खेड़ा खेमा ट्रैली अंदर आते रहे हैं, मतलब अर्थ की खुद मजबूरी है गेट पास कटवाना। जब तक गेट पास नहीं कटेगा नहीं उसका, तब तक एंट्री नहीं होगी उसकी। अच्छा बताओ थम बना लो दो आदमी ने, क्योंकि चार सड़ती है और फिर सोशल डिस्टेंसिंग। मेरी बात सुनो आप, जैसे अब लाइन लग रही है फार्मरा की, तंग तो है वो भी इस टाइम, यहाँ इकट्ठा होने की जरूरत नहीं है फार्मर को। ट्रॉली डाल रहा है, कंडा हुआ है, ट्रॉली गिर गई चले जाओ, जाम लगता ही नहीं यहाँ, अब तंग हो रहे हैं। कल सारा पाँच दिन में निपट जाएगा, यू जो खोलते नहीं सारा पाँच दिन, कल पाँच बजे से चार बजे सवेरा काम रह जाएगा। और बताओ लिफ्टिंग का क्या भी होता है धारा? लिफ्टिंग तो तोले आज चालू है, है? तोले आज चालू है ना, लिफ्टिंग तो हो जाएगी, लिफ्टिंग वाली कोई समस्या नहीं। धारा लिफ्टिंग वाला ठेकेदार है, बच गया ठेकेदार का तो पता नहीं, बाकी लिफ्टिंग तो अभी माल ही नहीं तुला मंडी में, क्या तबेरा तो होना चाहिए उसको नहीं पता क्यों या क्यों नहीं, तो हो जाएगा चल सिस्टम। अरे एक बात बताओ, एक बात बताओ, हम इसने भरण तो ला रहे हो, खाली करने का जुगाड़ लगा तो गवर्नमेंट का सिस्टम, वो तो कर देंगे, उठ तो जाओ गवर्नमेंट का ठेकेदार। आप तो ये करवाओ भाई, इस गेट पास की यहाँ जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं, मतलब मेरे पास वो सूचना है, कल 100 किसान आएंगे, 50 तड़किन, 50 शाम, वो तो बात ठीक है जी। आज 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 आप जो देख लो कितने किसान आए हैं, कितने आए, कितने तंग हो रहे बाहर, भूखे तिशाए मरे सवेरे, आज 1000 ट्रॉली आए कम से कम भी, 1000 तो लाइन में खड़ी है और लाइन लग रही, भूखे दिशाएं मर रहे हैं, बाहर कंपान लग रही, अंदर आ नहीं सकते बेचारे, भूखे घर तय, मतलब उनके ठंडे पानी यू सिस्टम हो रहा है उनका, भूखे दिशाएं मरने लग रहे भाई। पता नहीं यार थारे पक्ष में कि विपक्ष में मन नहीं मेरा, लेकिन सच्चाई यह है क्योंकि पुलिस की व्यवस्था कुछ नहीं है, कि हालांकि जवान खड़े रहे लेकिन लेकिन जवान जरूर खड़े रहे, लेकिन उन्हें पता को नहीं, यानी मंडी का भी इसमें दोष है, के दोष है कि किसान आज खाते में तो 145 है, लेकिन कई आड़ती के गड़बड़ कर रहे हैं, गड़बड़ के कर रहे, जिनका नंबर नहीं आ रहा उन किसाना की अनाज यहाँ डलवा लेते हैं एडवांस में, ताकि उन्हें बस खाली पर्ची दिखानी पड़े, उनका कांडा होकर उन्हें अपना अनाज घेर दिया है। यह समस्या हो रही है, असली समस्या या है, अड़ती कर रहे हैं, गड़बड़ गड़बड़ के कर रहे हैं। किसाना की बारी है 145 की, किसान आ रहे हैं 500 किस तरह आ रहे हैं, जो बाकी के किसान हैं वो उनका भी नंबर नहीं आया, लेकिन उन्होंने अनाज अपना मंडी में घेर दिया है एडवांस, जब उनका नंबर आवेगा अड़ती उनकी सेटिंग करा देगा, तलवा देगा। भाई यह पक्ष में विपक्ष में मैं नहीं जानता, लेकिन सच्चाई ग्राउंड रियलिटी मैं थमने दिखाने लग रहा हूँ, मंडी के हालात है, सफीदों में के सिस्टम चल रहा है, और कौन दुखी है, के समस्या हो रही है। अपन लगातार बात कराएंगे एक भाई और पूछेंगे, कटता आया है, के नाम है? दीपक है भाई। कहाँ आया? उरलाना था। कितनी देर तक लाइन में खड़े था? दो तीन घंटे हो लिए। तीन घंटे हो रहे। स्वाद आ रहा है? स्वाद क्या रहा, घना स्वाद आ रहा है। के स्वाद आ रहा है? यो दुखी होने वाला स्वाद है। अच्छा पहली बार देखा दुखी होने का स्वाद आवे है? बस भाई यो है अभी किसान। अच्छा। जमींदार मत यो स्वाद है। खट्टर साहब तक के कहोगे? कड़ा खट्टर मेरे यार, किसी ने बनाया दिया खट्टर। अच्छा दुखी कर रखे खट्टर ना? दुखी कर रखे। हाँ के करना चाहिए था तेरे से आप के? मेरे यार 10 दिन खोल देना जमींदार सारे नहीं घेर लेंगे। अरे जो खोल देंगे एकदम सारे, किसी कोरोना घर बिक जाता तो। अरे बिजुल से 30-30 किले ले रखे मैं, कि जाओ भाई जिसका नंबर आवा 10 दिन नहीं यार, वो क्यों कटा के दिखेगा? अच्छा समस्या क्या हुआ है? मान ले पूरा दिन में, मान ले तेरी 20 किले कणक है, एक ट्राली आओगी पूरा दिन में, एक के बार में तेरी मेरे पास ट्राली नहीं, एक के आओगी कंपाइन वाला बार बार थोड़ी जाओगा मेरे खेत में। यानी के समस्या भाई है? और भाई छूट सरकार जी इनको यह मिलनी चाहिए, जिस किसान के 20 एकड़ जमीन है और उसकी एक दिन में एक ट्रैली आई, तो उस पर लिखवा लियो, उस पर पेंडिंग लिखवा लियो कितनी है, ताकि वो अपनी सॉरी लेकर जो है सफीदो या मंडी में कोई सी भी किसी की मंडी है वो मंडी में पहुंच सके। यो सिस्टम कर दो, ताकि ना किसान परेशान, ना अड़ती परेशान, और ना भाई मार्केटिंग बोर्ड वाले परेशान, सारे का सिस्टम सेट हो जाएगा। लगातार जो है थमने मैं ग्राउंड रियलिटी सफीदों की अनाज मंडी तक दिखाने लग रहा हूँ। और भाई शेयर कर दियो, दुम्मा ढा दियो और
हरियाणा से जुड़ी खबरों की तह तक जाने के लिए सब्सक्राइब करें खबर तहलका, बेल आइकन को प्रेस करें।